हलाल विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर हमला बोला। एसटी हसन ने कहा है कि बीजेपी को हर जगह जिहादी दिखाई देता है, यह सिर्फ मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की बीजेपी की एक साजिश है। डॉक्टर एसटी हसन साहब हमारे साथ हैं। सर, कर्नाटक में अब हलाल मीट को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हलाल मीट नहीं खाना चाहिए क्योंकि हलाल मीट में आर्थिक जिहाद छिपा हुआ है। भाई, हमें तो समझ में नहीं आता कि हलाल मीट में कौन सा जिहाद है। इनको तो कहीं ना कहीं हर जगह जिहाद ही दिखता है। कभी ये लव जिहाद ले आते हैं, कभी कोरोना जिहाद ले आते हैं, कभी बिरयानी जिहाद ले आते हैं। आपने सुना, हर जगह इस तरह की बातें करके देश के मेन मुद्दों से भटकाने की साजिशें हैं। जब देश का ना विकास हो रहा, ना रोज़गार मिल रहा, महंगाई पर काबू नहीं पा रहे, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों पर पहुँच रही हैं, उसके बाद महंगाई कितनी बढ़ेगी, तो ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। अब ये बताएंगे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, कैसे रहना है, अब तो इन्हीं से सीखना पड़ेगा हम सब लोगों को। अब ये फैसले तो आप लोग करिए, आप चौथा पिलर हैं हमारी डेमोक्रेसी का, कि हम क्या डेमोक्रेसी के रास्ते से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं। बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि जो हलाल मीट होता है, मुस्लिम पहले अल्लाह को चढ़ाते हैं उसके बाद फिर बेचते हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये क्या वो सही बोल रही है सर? अल्लाह के नाम पे उसको हलाल किया जाता है। जाहिर है, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं जानता हूँ। हम बग़ैर हलाल मीट हम मुस्लिम नहीं खाते। हमारे लिए खून भी हराम हैगा। वो जानवर जिसका खून ना निकला हो वो हम नहीं खा सकते, वो अलग मसले हैं। लेकिन आपकी माइथोलॉजी में तो हिंदुओं को तो मीट खानी ही नहीं चाहिए। अब बाकी तो आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप एक अच्छे हिंदू हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हो, क्या ये इसमें फायदा है क्या नुकसान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।